हेलो हॉरर बडीज। तो दोस्तों, अब से इस चैनल पर नई वीडियोस डेली आती रहेगी, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस पर अच्छा रिस्पांस दीजिएगा। खैर, तो आज हम 247 डिग्री मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो 2011 में रिलीज़ हुई थी और ये एक सर्वाइवल बेस्ड मूवी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल मिस्टर हॉरर बडी को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम जैना और जैमी नाम के एक कपल को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं, पर अचानक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जैना का पति जैमी मारा जाता है। इसके बाद कुछ समय का टाइम जंप होता है, जिसमें हम जैना की फ्रेंड रैमी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड माइकल और इयान के साथ जैना को एक होटल ले जाती है ताकि वो अपने पास्ट को भुला सके और आगे बढ़ सके। इसके बाद वो लोग इयान के अंकल वेड के होटल पहुंचते हैं, जहां वेड उन सब का वेलकम करता है। इसके बाद वो सब लोग अपने अपने रूम में जाकर आराम करते हैं। वहीं जैना अपने रूम में डिप्रेशन की गोली खाने लगती है, मतलब जैना अपने पति जैमी की मौत से डिप्रेशन में चली गई थी। खैर, इसके बाद लोग डिनर करते हैं, जहां हम देखते हैं कि इयान जैना को मन ही मन पसंद करने लगा था, पर जैना तो जैमी की याद में ही रहती थी। इसके बाद जैना बाहर टहलने लगती है, साथ ही वो रैमी के बॉयफ्रेंड माइकल को ड्रग्स लेते हुए देखती है, पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। पर तभी वहाँ सभी लोग वेड के साथ आते हैं, जहाँ वेड उन्हें बताता है कि कुछ देर बाद तुम सब पास के एरिया में आ जाना, बिकॉज वहाँ पार्टी होने वाली है और मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। इसके बाद वेड पार्टी में चला जाता है। वहीं सब लोग पार्टी में जाने की तैयारी करने लगते हैं, पर जैना उन्हें पार्टी में जाने से मना कर देती है। इसके बाद वो लोग पार्टी में जाने से पहले स्पा लेने वेड के बनाए स्टीम रूम में चले जाते हैं। स्टीम रूम में गर्म हवा बाहर से आती थी। इसके बाद जैना भी स्टीम रूम में कुछ पानी की बोतलों के साथ आती है। शुरुआत में तो वो थोड़ा हिचकती है, पर बाद में इयान के समझाने पर वो भी अंदर आ जाती है। वहीं माइकल स्टीम रूम की गर्मी को और तेज़ कर देता है, जिससे रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ये देख वो चारों पास के स्विमिंग पूल में जाकर नहाते हैं और वापस स्टीम रूम में चले आते हैं। वहीं माइकल स्टीम रूम में जाने से पहले बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है और लड़खड़ाते हुए स्टीम रूम में पहुँचता है। वो लोग स्टीम रूम में स्टीम लेते थे और फिर पूल में जाकर नहाकर फिर स्टीम रूम में आ जाते थे। वो लोग ऐसा कई बार करते थे। इसी दौरान माइकल रैमी के साथ किस करने लगता है, पर रैमी उसे धक्का देकर ऐसा करने से मना कर देती है, जिससे माइकल गुस्सा हो जाता है। ये देख माइकल गुस्से से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद इयान, जैना और रैमी को स्टीम रूम के अंदर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। जब इयान चेक करने के लिए दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा नहीं खुलता। ये देख वो तीनों मिलकर कोशिश करके दरवाज़ा खोलने लगते हैं, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। मतलब इयान, जैना और रैमी तीनों स्टीम रूम में फंस गए थे, जिसका टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। वो तीनों समझते हैं कि ये ज़रूर माइकल की कोई मजाक है। वो लोग उसे आवाज़ें लगाने लगते हैं, पर वहाँ कोई नहीं आता। वो तीनों समझ गए थे कि अगर वो तीनों इस रूम से बाहर नहीं आए तो इस रूम की गर्मी उन्हें जलाकर मार देगी। ये सोच जैना पैनिक करने लगती है। इसके बाद वो तीनों रूम में टेम्परेचर मीटर को देखते हैं, जिसका कंट्रोलर स्टीम रूम के बाहर था। मतलब वो लोग सिर्फ टेम्परेचर को देख सकते थे, उसे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते थे। इसके बाद उस रूम की ऑक्सीजन भी कम होने लगती है, जिससे वो तीनों और ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। ये देख इयान हीटर से एक पत्थर निकाल कर उसे ठंडा करता है और उस पत्थर से स्टीम रूम की विंडो को तोड़ने लगता है, पर वो विंडो टूट नहीं पाती। पर इसी चक्कर में इयान का हाथ घायल हो जाता है, यानी कि इंजर्ड हो जाता है। पर इयान हार नहीं मानता और कोशिश करके विंडो तोड़ देता है, जिसके बाद उन तीनों को ऑक्सीजन मिलने लगती है। साथ ही वो लोग माइकल को आवाज़ें भी लगाने लगते हैं, पर वहाँ कोई नहीं आता। ये देख वो तीनों अंदर से टूट जाते हैं, पर इयान एक कपड़े में पत्थर बांध कर दरवाजे के बाहर रखी चीज़ को हटाने लगता है। पर इयान समझ जाता है कि वो चीज़ भारी है, जो ऐसे नहीं हटेगी। इसके बाद वो लोग जैना के द्वारा लाए गए पानी को पीने लगते हैं, ताकि उनके शरीर का पानी ज़्यादा स्टीम ना हो। पर अब रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था, जिस कारण से उनकी स्किन जलने लगी थी।
वहीं रैमी को लगता है कि माइकल पार्टी में चला गया होगा, तो वो अब सुबह ही आएगा। इसके बाद इयान को एक आइडिया आता है और वो बिजली के बल्ब वाले वायर को मिलाकर शॉर्ट सर्किट करने लगता है ताकि बिजली कट जाए और टेम्परेचर का बढ़ना बंद हो जाए। पर इयान का शरीर पसीने से गीला था, जिस वजह से इयान को बिजली का शॉक लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वहीं माइकल का डॉग रूम के बाहर माइकल को लाता है। ये देख चैना और रैमी चिल्लाकर उसे आवाज़ें लगाने लगते हैं, पर तई पार्टी में जलाए पटाखे फटने लगते हैं जिससे उनकी आवाज़ दब जाती है और माइकल रूम के अंदर जाए बिना पार्टी में चला जाता है। ये देख जैना और रैमी रोने लगते हैं। पार्टी में जाकर माइकल वेड को बताता है कि लगता है उसके बाकी दोस्त पार्टी में कहीं इंजॉय कर रहे हैं, तो हमें भी इंजॉय करना चाहिए। इसके बाद वो दोनों भी इंजॉय करने लगते हैं। वहीं स्टीम रूम में इयान अब ठीक हो गया था, पर अब वो लोग हद से ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं और इसी कारण से जैना एक पत्थर लेकर दरवाजे को तोड़ने लगती है। ये देख रैमी उसे रोकती है, पर गलती से जैना रैमी के सिर पर ही वो पत्थर मार देती है जिससे उसका सिर फट जाता है और वो मरने की हालत में हो जाती है। वहीं इयान भी पागल हो गया था, जिस कारण से इयान उस हीटर को पकड़कर उखाड़ने लगता है, पर इसी चक्कर में वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसमें इयान जलकर मारा जाता है। वहीं रैमी भी मर रही थी क्योंकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये देख जैना उसे उठाकर विंडो पर लाती है और उसे सांस दिलवाने लगती है। वहीं इयान ने हीटर तो तोड़ दिया था, पर पाइप से गर्म हवा अभी भी आ रही थी। ये देख जैना अपने हाथों से हीटर के गर्म पत्थरों को उठाकर पाइप में डाल देती है और उसे ब्लॉक कर देती है, पर इसी चक्कर में उसके हाथ जल जाते हैं। इसके बाद वो रैमी के साथ विंडो से ऑक्सीजन लेने लगती है और तब हमें एक राज पता चलता है कि दरवाज़ा कैसे ब्लॉक हुआ। दरअसल जब माइकल और रैमी के बीच नोक झोंक हुई थी तो माइकल गुस्से से बाहर चला गया था और गुस्से में उसने दरवाजे के पास रखे सामान को गिरा दिया था, पर बाद में उसने शराब के नशे में एक सीढ़ी दरवाजे पर रख दी थी जिससे दरवाज़ा अटक गया था। ये गलती उसने शराब के नशे में की थी। फिल्म के लास्ट में हम जैना और रैमी को एम्बुलेंस में जाते हुए देखते हैं, मतलब वो दोनों तो बच गए थे पर इयान मारा गया था। वहीं हम माइकल को अपनी इस गलती पर पछताते हुए देखते हैं और बस ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 247 डिग्री मूवी की एक्सप्लेनेशन धांसू लगी होगी, जिसमें माइकल ने शराब के नशे में गलती से स्टीम रूम का दरवाज़ा ब्लॉक कर दिया था, जिस रूम में उसके तीन दोस्त फंस गए थे जिसमें से एक मारा गया। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो धांसू लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही हमारे चैनल मिस्टर हॉरर बड़ी को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।